राणा त्या दाम्पत्यांच्या वकिलांनी त्यांचा अर्ज त्यानंतर अशी विनंती केली की दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात ज्या वेळेला त्यांच्या जामिनाच्या अर्जावर सुनावणी होईल त्यावेळेला इथे जी त्यांच्या विरुद्ध ऑब्झर्वेशन झालेली आहेत ती त्या माननीय न्यायालयाने जामिनाच्या अर्जावर विचार करताना विचारात घेऊ नये. तर त्यांच्या जबाबदारीची त्यांना जाणीव करून दिली लोकप्रतिनिधी या नात्याने. न्यायालयासमोर ज्या वेळेला हा विषय पुकारला गेला त्यावेळेला न्यायालयाने यातील जे आरोपितांचे वकील आहेत त्यांना एका जुन्या दाखल्याची आठवण करून दिली आणि त्यांनी त्यांना सांगितलं की ज्या जबाबदार मंत्री किंवा अधिकारावर आहेत अशा व्यक्तींनी वागताना आणि बोलताना फार जबाबदारीने दुसऱ्याचा मान ठेवून दुसऱ्याचा योग्य ते रिस्पेक्ट करून कायद्याचा सन्मान ठेवून वागायला आणि बोलायला पाहिजे. पण आम्ही वारंवार पिचकाऱ्या देऊन सुद्धा आम्हाला हा कोणताही असा परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे यांना आम्ही काय अशा प्रकारे आदेश देणं किंवा सांगणं म्हणजे सगळं व्यर्थ आहे. त्यामुळे याच्यापुढे आम्ही यांना काहीही अशा प्रकारचे आदेश देण्यात अर्थ नाही असं सांगून त्यानंतर मग आमचा जो त्यांचा जो अर्ज होता तो विचारात. बहात्तर तास आधी काय दिला सर नेमकं काय दिलं दुसऱ्या FIR मध्ये? त्यांनी जो दुसरा FIR जरी क्वॅश करण्यासाठी जरी हा अर्ज केला होता तरीसुद्धा त्यांचा जो मेन हेतू आम्हाला यातून दिसला तो हेतू म्हणजे ह्या गुन्ह्यामध्ये त्यांना पुन्हा अरेस्ट केलं जाऊ नये. त्यामुळे तसं त्यांनी ते स्वच्छ आणि स्पष्ट न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं की ही भीती आम्हाला आहे म्हणून न्यायालयाने त्यांच्याबाबत आदेश केला की त्यांना जर अटक करायची झाली तर त्या अगोदर 72 तास अगोदर त्यांना नोटीस द्यायची की आम्ही तुम्हाला ही जी प्रक्रिया होती त्या अटकेच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले म्हणजे थोडीफार जबरदस्ती करूनच त्यांना गाडीत घालून न्यायला लागलं इतपत त्यांनी अटकेला विरोध केला. अशा प्रकारे जे सरकारी कर्मचारी होते. सर 124 हिंदी में बोलेंगे. देखिए उनका वो जो आज न्यायालय में आए थे वो जो दूसरा गुनाह है वो खारिज करने के लिए उनकी पूरी कोशिश थी कि वो न्यायालय के सामने जो दलील रखे वो दलील जो उनके खिलाफ ये 124A का जो गुनाह है उसकी तहत रखे और न्यायालय का मन दूषित करे सब खिचड़ी बनाए. उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो वैसी थी यहाँ का यहाँ वहाँ का वहाँ वहाँ का सब मिक्स करके उन्होंने आर्ग्यूमेंट कहा गया कि FIR दोनों एक ही में क्लब कर दिया जाए एक ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट है तो 353 भी उनका कहना ऐसा था कि ये जो सब हो गया ये दो दिन में हो गया ये सब एक ही गुनाह का भाग है यानी जो पहले हुआ वही गुनाह कंटिन्यू है. लेकिन ऐसा हमारा कहना ऐसा था कि अगर उनका ये कहना स्वीकार किया जाए तो आदमी ने जन्म लेने से मरने तक सब उसका एक ही ट्रांजैक्शन होता है यहाँ से जाने तक. 72 घंटे पहले बताना पड़ेगा सर पुलिस को उनको अरेस्ट करने के पहले. उनको अरेस्ट करने के पहले 72 घंटे उनको सूचित किया जाएगा फिर उन्हें जो कानूनन करना है वो कर सकते हैं. सर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया जब ये पेटीशन आई थी MLA और MP है तो उसमें क्या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन? उनका कोर्ट का जो कहना है कि उनके खिलाफ जो 353 का जो गुना पुलिस ने रजिस्टर किया है उस गुनाह के बारे में उनका कुछ वो तो उन्होंने स्वीकार किया है. उन्होंने वो गुनाह है वो गलत है अगर वो गुनाह बनता नहीं ऐसी कुछ उन्होंने आर्ग्यूमेंट ही नहीं की. उन्होंने जो कुछ किया वो ये गुने उन्हें के लिए किया लेकिन उनका पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो पहले वाले गुने में था वो और एक ही गुना समझा जाए एक ही इसमें करना चाहिए था इस प्रकार की उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी. निचली अदालत में बेल की सुनवाई होगी उसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले को संज्ञान में नहीं रखा जाएगा. देखिए अगर इस ये जो निर्णय है इनको ऐसा डर लगा कि ये जो निर्णय है इसमें जो उनके खिलाफ जो गया है जो कुछ वो सब हम नीचे के न्यायालय में जब जमानत की सुनवाई होगी तो हम उस न्यायालय को दिखाएंगे और न्यायालय पे उस पर इन्फ्लुएंस होगा. इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ जो हो गया वो कम से कम उधर अभी ना दिखाया जाए या यूज ना किया जाए. सुनवाई में घर से जब लाया गया मुख्यमंत्री
भी हो या सरकारी विभाग हो, उसमें नाम लेकर जो भी गाली गलौज की थी नवपति राणा ने, क्या वो वीडियो भी सरकारी महकमा पड़ताल करा उसमें भी रखा जाएगा? देखिए आप सब लोग हैं, आपका सहकार्य लिया जाएगा। आप जो मीडिया पे दिखा रहे हैं उस पर जो इसकी जो क्लिप्स होगी वो पुलिस मांग सकती है आपसे भी। पुलिस भी कुछ अपनी प्रिकॉशन करके वो भी कुछ शूटिंग करते रहते हो गए, अगर वो भी दिखाएंगे और कोई अपने